पूर्णमासी के दिन भूल कर भी ना करें ये काम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। समय निकाल कर वीडियो को जरूर देखें। आप सभी का आपके चैनल शिव महिमा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो के शुरू करने से पहले आप लोग कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर भोले बाबा के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूर्णिमा का दिन बेहद फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। इस साल ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा 22 जून 2024 को मनाई जाएगी। वही इस दिन को लेकर कई सारे नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन जरूर करना चाहिए। तो आइए उन्हें जानते हैं। पूर्णिमा पर करें ये काम। नंबर एक, पूर्णिमा के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। नंबर दो, पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर तीन, पूर्णिमा के दिन अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद करने से बचना चाहिए। नंबर चार, पूर्णिमा के दिन दान के लिए किसी को भी काले रंग की वस्तु दान न नहीं देना चाहिए। नंबर पाँच, पूर्णिमा के दिन गलती से भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। नंबर छः, पूर्णिमा की रात में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर आठ, इस दिन माँ का अपमान नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में अशुभ होता है। नंबर नौ, पूर्णिमा तिथि के दिन माँ लक्ष्मी का आगमन अपने भक्तों के घर होता है, इसलिए इस दिन घर को गंदा नहीं रखना चाहिए और अच्छे से घर को साफ सफाई करना चाहिए। नंबर दस, इस दिन धन का लेन देन आपको आर्थिक संकट में डाल सकता है, अतः आप किसी भी प्रकार से धन का लेन देन पूर्णिमा तिथि के दिन ना करें। नंबर ग्यारह, इस दिन सूर्यास्त के बाद दान ना करें। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में गरीबी आती है। नंबर बारह, महिलाएं इस दिन सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी ना करें, क्योंकि इससे अशुभ माना जाता है। पूर्णिमा तिथि पर करें ये काम। नंबर एक, श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा करें। नंबर दो, इस दिन भगवान शिव की पूजा भी बेहद लाभकारी मानी जा गई है। नंबर तीन, इस तिथि पर चंद्रमा की पूजा करने से मानसिक तनाव दूर होता है। नंबर चार, इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा के नीचे रखकर खाना चाहिए। नंबर पाँच, इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर छः, इस दिन गंगा नदी में पवित्र स्नान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। नंबर सात, इस दिन चंद्रमा को अर्घ अवश्य देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर करें ये उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए। इसके लिए एक लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें दूध, सफ़ेद फूल और कुछ अक्षत मिलाएं। इसके बाद भगवान चंद्रमा के वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए जल चढ़ाएं। खुले आकाश के नीचे कुछ समय के लिए ध्यान रखें। ऐसा करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। इसके साथ ही हर प्रकार के भय से छुटकारा मिलेगा। नंबर दो, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई उपाय किया जाए तो उसका असर जल्द देखने को मिलता है। ऐसे में इस शुभ तिथि पर 11 कौड़ियों को एक लाल कपड़े में लपेटकर माँ लक्ष्मी पर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें, साथ ही इन कौड़ियों की भी पूजा करें।
फिर उन्हें अपनी तिजोरी व धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपको कभी पैसे से जुड़ी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखें।